कटलाजर स्थित एसएसबी कैंप ट्रेनिंग सेंटर में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी सीमा जागरण मंच के बैनर तले महिलाओं ने रक्षाबंधन त्यौहार के पूर्व एसएसबी के जवानों को राखी बांधी। इस अवसर पर जवानों को राखी बांधने पहुंची पूर्व महापौर डॉक्टर सत्या पांडे ने कहा कि ये सैनिक अपने घर से दूर रहकर देश की सेवा करते हैं, इसलिए हम इन्हें अपना भाई मानकर इनको राखी बांधते हैं। वहीं एसएसबी इंस्पेक्टर सतवीर सिंह ने कहा कि इस दिन का इंतजार उन्हें बेसब्री से रहता है। ये बहनें हमें रक्षा सूत्र बांध कर गौरवान्वित करती हैं। इस बहनों से ये वचन है कि भारत माता की सुरक्षा के साथ साथ अपने तमाम बहनों की हिफाजत के लिए हम सदैव तत्पर रहेंगे। इस संबंध में गोरखपुरी संवाददाता से बात करते हुए पूर्व महापौर डॉक्टर सत्या पांडे और एसएसपी इंस्पेक्टर सतवीर सिंह ने कहा, और जहां जो भी हमारी सेना है, कहीं आईटीबीपी है, कहीं बीएसएफ है, कहीं अपने स्क्वाड्रन करने के लिए आए, ताकि हम लोगों को ये महसूस ना हो कि हम अपने घर परिवार से दूर हैं। ये आपका जो कार्य है, ये बहुत ही सराहनीय है। मैं इस आपके सराहनीय कार्य के लिए जो है आपकी अपने तहे दिल से और अपने टीआईटी साहब की तरफ से जो है प्रशंसा करता हूँ कि आपने अपना कीमती समय निकाल के हमारे यहाँ आने के लिए जो है किया। अब मैं मैडम से अनुरोध करूँगा कि मैं इस कार्यक्रम को जो आज रक्षाबंधन पर्व होने जा रहा है, इसको आगे सुचारू रूप से चलाने की कृपा करूँ। तो जो पहले अपने पीठ में बैठे हैं, इनसे आग्रह है कि अपनी तैयारी रोली ये करके उधर छोटी छोटियाँ हैं, सबकी साल में एक बार सेना भर्ती की मशीन तैयारी करते हैं। Thank you.
संपत्ति की रक्षा का संकल्प लेता है, राजा पुरोहित और समाज की रक्षा का संकल्प लेता है, वहीं पर हमारे सैनिक जो यहाँ पर बैठे हैं वो भारत की सीमाओं की सुरक्षा का संकल्प लेते हैं। इनके संकल्प से आज हमारी सीमाएं सुरक्षित है, आज हमारी सीमाएं मजबूत, आज हमारी सीमाओं की तरफ आंख उठाकर के देखने वालों की हिम्मत नहीं पड़ती। मुझे ठीक प्रकार से मालूम है, पिछले साल डोकलम में चाइना की सेना आई थी, डोकलम विवाद हुआ था, चाइना के लोग वहां पर आए थे, चाइना के सैनिक, लेकिन हमारे सैनिक भी वहां बहादुरी के साथ बैठे थे। अभी तक चाइना जहां पर पहुंचता था वहां के लोग डरते थे, 65 में हमने 62 में उसको झेला भी था, लेकिन डोकलम में जो चाइना के सैनिक आए उनके सामने हमारे सैनिकों ने सीना अड़ा दिया और अंत में हमारे सैनिकों की बहादुरी के कारण से, दृढ़ता के कारण से चाइना को हार मान करके उनके सैनिकों को वहां से वापस जाना पड़ा। यह हमारे सैनिकों की बहादुरी। हमारे सैनिकों ने कारगिल को कितना शानदार तरीके से प्रदान किया था, अभी कारगिल दिवस मनाया गया है, विजय दिवस मनाया गया, हम सब उस बात को जानते हैं। आप सभी हमारे परिवार के सदस्य हैं, अपना घर छोड़ करके, अपना परिवार छोड़ करके, ना जाने कौन किस प्रदेश का होगा, जहां पर उसको सीमा की सुरक्षा के लिए, जहां पर उसकी बटालियन रहेगी वहां पर उसको भेजा जाता है, वहां पर उस सुरक्षा के लिए दिन रात एकदम से हर मिशन सेवा में है, बिना थके हुए सीमा की सुरक्षा करते हैं। मैं पिछले साल जम्मू कश्मीर गया था, वहां पर मेरे साथ कुछ कार्यकर्ता गए थे, वहां सीमा की सुरक्षा मैंने देखी। आरएसपुरम में गया था, वहां पर सीमा पर हमारा नौजवान खड़ा था, केरल का जवान था, मेरे साथ जो व्यक्ति था उसने कहा ये धूप में क्यों खड़ा है, ये वेतन पाता इसलिए खड़ा है। मैंने उन सब के सामने कहा हमारा नौजवान, हमारे सीमा का, हमारी सेना का जवान जो है वेतन के लिए खड़ा होता है, वतन के लिए खड़ा होता है, और उसको देश के लिए अपना सर्वस्व अर्पित करने में कहीं कोई संकोच नहीं होता है। इस प्रकार से सारा देश आपके कारण से सुरक्षित है। आप सबने देखा कि बहुत ही सदैव हुए और सम्मानजनक और अच्छे शब्दों के साथ आपने हमें रक्षाबंधन के बारे में, अपने भारत माता के प्रति प्रेम के संबंध में और हमारे सीमाओं की सुरक्षा कर रहे सभी सशस्त्र बलों के साथ आपके द्वारा किए गए प्रोग्राम और उनके सम्मान के शब्द में आपने हमें बहुत अच्छे से समझाया। उसके लिए प्रशिक्षण केंद्र गोरखपुर के उप महानिरीक्षक डी आई महोदय की तरफ से मैं सबका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूँ। साथ ही मैं आशा करता हूँ कि इस रक्षाबंधन पर जिस तरह से अपने परिवार से दूर सीमा बल के परिवार के जो सदस्य हैं अपने परिवार से दूर हैं, अपने बहनों से दूर हैं, आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय निकाल करके हमको जो आशीर्वाद जो प्राप्ति आपने दी है उसके उसके लिए मैं चाहूँगा कि अगली बार भी या जब भी अगली ऐसा कोई प्रोग्राम हो आप यहाँ आए और हमें इसी तरीके से प्रेम दें और हमारे सभी जवानों को वो कमी ना करने दें जो अपने घर से दूर होने पर हमको कर दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। विगत कई वर्षों से अन्य विद्यालयों में जाके जो छोटी बच्चियां हैं दलित बस्ती में जाके मैं राखी कंपटीशन कराती हूं और उन लोगों को से ये राखी लेती हूं जो सेना के भाइयों को बांधने का है, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि जब राखी लेके रक्षा के इंतज़ार ये भाई लोग भी सैनिक भाई लोग भी करते हैं, बॉर्डर पर भी जाके राखी बांधने का हम लोग प्रोग्राम करते हैं और हमारे साथ हमारी बहनें भी हमारे साथ कदम से कदम मिला के आती हैं और सीमा जागरण मंच के भाई और बहनें भी हैं हमारे साथ, और मुझे बहुत खुशी होती है कि हम लोगों की रक्षा जो सूत्र हम लोग बांधते हैं ये लोग, ये भले ही हम लोग ब्लड से भाई बहन नहीं हैं लेकिन ये माँ भारती के संतान होने के कारण ये हमारे रक्त से भी ऊपर हमारे हम लोगों का रिश्ता है भाई बहन का, और हम लोग उनके यशस्वी जीवन की कामना करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि यश कीर्ति में उनके वृद्धि हो, माँ भारती के आँचल पर कहीं दाग न लगे और अगर माँ भारती की तरफ कोई बुरी निगाह से देखे तो उसका गर्दन भी धड़ से के पर न रहे और ये भाई हमारे यशस्वी हों, आए हम उन्हें तिलक लगाएं जीत की, विजय की और खुशियों की। बहुत बहुत राखी बांधने के समय आप इन भाइयों से क्या वचन देते हैं? मैंने वचन यही लिया है
कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, भोजन आप समय से करिए, लेकिन आप अपने कर्तव्य से चिंता मत करिए, चिंतन करिए सिर्फ और सिर्फ माँ के उस तेज का जो, और हम बहनों के इस कि हम लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आप यशस्वी हों और सीमा पर कोई दुश्मन हम लोगों की तरफ बुरी निगाह भी न देखें। हम लोग अपने पूरे ही अपनी आशीर्वाद अपने अपनी खुद की उम्र जो है हम लोग चाहते हैं इन भाइयों को लगे और ये यशस्वी हों, दीर्घायु हों और अपने परिवार में विजय के साथ आएँ और अपने परिवार में यश कीर्ति के साथ, क्योंकि इनका परिवार ये छोड़ के अपनी माँ की गोद को छोड़ के माँ भारती की गोद में माँ भारती को अपनी माँ माने हैं, तो वास्तव में माँ भारती का माँ मानना यही हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात है और हम लोग इन्हें यश कीर्ति की वृद्धि के लिए ही आशीर्वाद देने आते हैं। सत्यवीर सिंह, इंस्पेक्टर सत्यवीर सिंह जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे ही रक्षाबंधन त्यौहार नज़दीक आता है हम हर बार इंतज़ार करते हैं कि हम अपने परिवार से दूर हैं, अपनी बहनों से दूर हैं, सीमा जागरण मंच की महिला हैं, आरएसएस की महिलाएं वो यहाँ आएँ और अपनी बहनों से दूर जो हम हैं उस प्यार को पूरा करें और राखी में जो स्नेह प्यार हमको देती हैं वो हमें मिले, बहुत अच्छा लगता है। मैं बहनों को आपके माध्यम से संदेश देना चाहता हूं कि सीमा की सुरक्षा ही नहीं, सीमा की सुरक्षाओं के साथ साथ हम ये विश्वास दिलाते हैं कि भारत देश में हमारी जितनी भी बहनें हैं उन सबकी जिम्मेदारी का हम संकल्प लेते हैं, उनकी रक्षा 100% करने के लिए हम एकदम तत्पर।